हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स नेम इज पार्स कोचिंग चैनल। दिस इज अवर सेवंथ वीडियो ऑफ चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इन द प्रीवियस वीडियो वी वर डिस्कस्ड द टॉपिक हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड विद टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स और ऑल्सो हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल समथिंग लाइक दिस। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस वीडियो का लिंक देख लीजिए। चैप्टर 6 के पार्ट 6 होगा तो उस वीडियो को जरूर देखिए, बिकॉज जो चैप्टर 6 है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें बहुत इजी कंसेप्ट है, अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो आपको इजीली ये कंसेप्ट आ जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे इन दिस वीडियो डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर। रेट मेजर मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड, ऐसे टॉपिक का नेम है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। सपोज जैसे मैं आपको बोलूं किसी एक क्वांटिटी के चेंज होने से उससे रिलेटेड जो दूसरी क्वांटिटी है उस पर क्या इफेक्ट होगा, तो उसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। जैसे मैं बोल दूं आपके पास कोई ट्रायंगल है या फिर आपके पास कोई फिगर बोल दूं 3D है या 2D है, ठीक है ना, तो उस पर अगर मैं साइड, रेडियस, लेंथ, ब्रेथ उस पर मैं कोई चेंज करूं, उसके एरिया, वॉल्यूम में क्या चेंज आता है उसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। मतलब इफ वन क्वांटिटी वाई वेरीज विद अनदर क्वांटिटी एक्स, मतलब वाई की वैल्यू किस पे डिपेंड पे, एक्स पे, देन हम एफ डैश एक्स का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, एफ डैश एक्स नोट, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, मतलब किस में चेंज आए, वाई विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स, कि जैसे मैं एक्स को चेंज करता हूँ वाई में कितना चेंज आता है और किस पॉइंट पे, हमें पॉइंट भी गिवन होगा जैसे एक्स नॉट, तो हम इसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। जैसे डी वाई बाई डी टी मतलब टी होगा टाइम, तो वाई टाइम पे डिपेंड है, तो हम इनडायरेक्ट इसे कैसे निकालेंगे, वाई हमें किस में गिवन है, एफ एक्स में, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। फिर एक्स किस में डिपेंड है, वाई डिपेंड है हमारा एक्स पे, एक्स किस पे डिपेंड है, टी, तो चेन रूल लग जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी एक्स को कैसे लिखते हैं, एफ डैश एक्स साथ में डी एक्स ऑफ डी टी, तो मतलब रेट ऑफ चेंज जो हमारा है किस पे डिपेंड है, उस सेकेंड फंक्शन पे डिपेंड है जिसके ऊपर हमारी वैल्यू डिपेंड है। अगर आपको रेट ऑफ चेंज वन वेरिएबल कैलकुलेट करना है तो पक्का आपको जिसपे वो डिपेंड है रेट ऑफ चेंज ऑफ अदर वेरिएबल नॉन पक्का पता होगा। जैसे डी वाई बाई डी टी निकालना है तो मेरे को डी एक्स बाई डी टी पता होना चाहिए, तब भी मैं डी वाई बाई डी टी के बाहर डिस्कस कर सकती हूँ। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज द साइड ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 cm/s। मतलब इक्वल ट्रायंगल गिवन है उसकी साइड इंक्रीज करिए पर सेकेंड, मतलब सेकेंड एक सेकेंड के बाद उसकी साइज 2 cm इंक्रीज हो रही है। एट व्हाट रेट ऑफ चेंज इन इट्स एरिया, तो हमने बताना है कि उसके एरिया कितना इंक्रीज करेगा व्हेन द साइड ऑफ ट्रायंगल इज 20 cm। मतलब आपने निकालना है एरिया इंक्रीजिंग, एरिया होता है ए, तो डी ए बाय डी टी। सबसे पहले मैं लेट करती हूँ, लेट एक्स बी द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहले आपको ना जितने भी हमारी फिगर्स है 2D 3D उनके वॉल्यूम, उनके एरियाज सभी याद होने जरूरी है, अगर आपको वो ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। हमें पता है क्या, जो साइड ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल है वो इंक्रीज करिए एट द रेट ऑफ, अगर इंक्रीज आ जाए सबसे पहले कौन साइड ऑफ इक्वल ट्रायंगल, तो मतलब डी एक्स बाई डी टी, क्यों किस पे डिपेंड है, ये टाइम पे डिपेंड है पर सेकेंड, देखो टाइम पे डिपेंड है। क्या लिखा है, साइड ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग, मतलब वो इंक्रीज कर रही है, जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ जाए मतलब डेरिवेटिव, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। जैसे हम बोलते हैं ना इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जिसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पॉजिटिव। इंक्रीजिंग मतलब डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो या जीरो से बड़ा, डिक्रीजिंग मतलब डेरिवेटिव होता है, देखो इंक्रीजिंग मतलब जीरो या जीरो से बड़ा, डिक्रीजिंग मतलब जीरो जीरो से कम, ये इंक्रीजिंग है ये डिक्रीजिंग है। यहाँ पे इंक्रीजिंग गिवन है कौन, साइड, साइड क्या एक्स, तो डी एक्स बाई डी टी, जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखा जाए तो मतलब डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो डी एक्स बाई डी टी कितना गिवन है मेरे पास 2 cm/s। अब मैंने ले लिया लेट ए बी द एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल, ट्रायंगल की मैं साइन ही बना देती हूँ। अब हमें पता है एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, रूट 3/4
साइड की स्क्वायर होता है। ये सभी आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल होता है रूट 3/4 साइड की स्क्वायर, और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, वो होता है आपके पास। अब हमने क्या निकालना है, एट व्हाट रेट इज इट्स एरिया इंक्रीजिंग, एरिया को इंक्रीज मतलब डेरिवेटिव निकालना है एरिया का विद रिस्पेक्ट टू टी। अब डेरिवेटिव कर दो, dA/dt रूट 3/4 एज इट इज। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव देखना कैसे करना है, पहले तो क्या जाएगा 2x, अब x का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव, बिकॉज x किस पे, x भी डिपेंड t पे है, y भी डिपेंड t पे है। हमें बताया गया है जो y है वो x पे डिपेंड है, x किस पे डिपेंड है, t पे डिपेंड है। तो यही है एरिया जो t पे कैसे डिपेंड होगा, पहले x के का डेरिवेटिव 2x, फिर dx/dt इसमें वैल्यू पुट कर दो रूट 3/4। हमें ये भी गिवन है व्हेन द साइड ऑफ ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर तब निकालना है। सबसे पहले हमें dx/dt की वैल्यू क्या गिवन है 2, ये पुट कर देते हैं, ये कैंसिल होकर नीचे 2 आ जाएगा dx/dt, ठीक है ना। तो ये मेरा आ गया dA/dt, ये इतना आ गया। बट हमें गिवन है व्हेन उसकी साइड ट्रायंगल की 20 सेंटीमीटर है देन हमने एरिया इंक्रीजिंग बताना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सबसे पहले साइड है 20 और dx/dt कितना गिवन है 2, तो मतलब dA/dt आ गया 20√3। देयरफॉर द रेट ऑफ इट्स एरिया इंक्रीजिंग, अगर इंक्रीजिंग ले तो पक्का डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आएगा 20√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्केरिया स्केयर क्यों आया, एरिया की क्वांटिटी यूनिट जो होती है स्केयर में होती है। आई रिपीट, सबसे पहले साइड ऑफ इक्वल ट्रायंगल मेरे को कितनी, देखो अगर साइड ऑफ इक्वल ट्रायंगल लिखा होता तो ये एक्स होता, बट लिखा हुआ है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब dx/dt। फिर बताना है किसका एरिया इंक्रीजिंग मतलब एरिया का डेरिवेटिव, पहले एरिया का फॉर्मूला लिख रहे हो उसका डेरिवेटिव, यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा उसका विद रिस्पेक्ट टू टी जरूर करना है, एक्स है तो dx/dt, आर है तो dr/dt। तो हमने लिख लिया एक्स भी पता है dx/dt, एक्स गिवन है व्हेन द साइड ऑफ ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर, ये एक्स है, ये इंक्रीजिंग लिखा है तो ये डेरिवेटिव है, तो दोनों वैल्यू पुट करो आपका एरिया इंक्रीजिंग का आंसर आ जाएगा। मतलब अगर मैं साइड को 20 सेंटीमीटर इंक्रीज करती हूँ, मतलब 20 सेंटीमीटर है तो उसके एरिया में कितना चेंज आएगा, तो उसका एरिया इतना हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल सॉप बबल, स्फेरिकल मतलब हमारा जो है जैसे हमारी बॉल नहीं होती उस टाइप का है, तो द रेडियस उसका, रेडियस ऑफ स्फेरिकल सॉप बबल इज इंक्रीजिंग, अगर रेडियस लिखा होता तो डायरेक्ट मैं आर बोलती, बट इंक्रीजिंग मतलब रेडियस का डेरिवेटिव गिवन है, तो ये रेडियस मतलब डी आर, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो dr/dt गिवन है 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, आर को मैंने लेट कर लिया, रेडियस है स्फेरिकल सॉप बबल का। फाइंड करने किसका रेट ऑफ चेंज, एक तो वॉल्यूम का एक सरफेस एरिया का, व्हेन द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, सबसे पहले मैं वॉल्यूम का निकाल रही हूँ, वॉल्यूम को लेट कर लो भी। अब आपको पता है स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 πr³, अब डेरिवेटिव कर दो 4/3 π तो एज इट इज, इसका हो जाएगा 3r² साथ में r का डेरिवेटिव dr/dt, बट हमें मेंशन है व्हेन द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं dv/dt, पहले यहाँ पे आप पुट कर दो, 3 के साथ 3 कैंसिल ही हो जाएगा r² dr/dt की वैल्यू 0.3। अब हम क्या करेंगे, हमें r की वैल्यू क्या गिवन है 8, वो पुट कर दो 4π8² × 0.3, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका सोल्व करके आंसर क्या जाएगा 76.8 सेंटीमीटर। अब ये क्या वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यहाँ पे भी आप सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो पर सेकेंड। देखो सबसे पहले वॉल्यूम लिया 4/3 πr³, दोनों साइड डेरिवेटिव किया इसका 3r² dr/dt, dr/dt की वैल्यू पता थी वो लिख दी, रेडियस हमें 8 सेंटीमीटर गिवन था वो भी लिख दिया, तो हमारा आ गया, अगर रेडियस मेरा इतना चेंज करता है तो वॉल्यूम में इतना चेंज आ जाता है। अब नेक्स्ट हम सरफेस का करते हैं, नेक्स्ट सरफेस एरिया था, तो सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का 4πr² डेरिवेटिव r² का 2r dr/dt, dr/dt में स्टार्टिंग में 0.3 गिवन था,
मल्टीप्लाई कर दी। लास्ट में आर एट गिवन था तो आर को एट पुट कर देगी। जब भी आप आर एक्स एंड में कोई वैल्यू पुट करते हो तो साथ में ये लिख दिया करो, पता चल जाता है डी एस बाई डी टी में हमने आर को एट पुट किया है। तो हमने सरफेस एरिया का चेंज बता दिया, मतलब कितना इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम का बता दिया। तो इस पे हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। तो फ्रेंड्स बहुत ईजी, अगर आपको वॉल्यूम सरफेस एरिया जो भी पता है देन डेरिवेटिव करके डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट, मतलब जो लेंथ एक्स है वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब डिक्रीज लिखा इनके जो डेरिवेटिव है किसका एक्स का, तो डी एक्स बाई डी टी। अगर डिक्रीज लिखा हो मतलब डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस थ्री। उसके बाद विथ वाई इज इंक्रीजिंग, मतलब वाई का डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहा है, मतलब पॉजिटिव में लिखना है, तो कितना है टू। जब भी डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग लिखा हो ये बात याद रखनी है, डेरिवेटिव तो पक्का है एक्स जब वाई जो भी है उसका डेरिवेटिव एक्स बाई डी टी डिवाइड डी टी। डिक्रीजिंग है तो साइन नेगेटिव का लगेगा, इंक्रीजिंग है तो साइन पॉजिटिव का लगेगा। हमने फाइंड क्या करना है, व्हेन एक्स 10 है वाई 6 सेंटीमीटर है, आपने फाइंड करना रेट ऑफ चेंज पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले मैं कर रही हूं पेरीमीटर, हमें पता है रेक्टेंगल गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है ना, ट्वाइस ऑफ लेंथ एक्स प्लस ब्रेथ, ये है। अब इसको मैं पहले सॉल्व सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। अब डेरिवेटिव डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू टू, एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे वन नहीं लिखना, विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, डी एक्स बाई डी टी, वाई का डी वाई बाई डी टी, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, टू माइनस थ्री प्लस टू टू। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो डी पी बाई डी टी कितना आ जाएगा, माइनस टू। तो यहाँ पे पता चल गया पेरीमीटर में रेट ऑफ चेंज कितना आएगा, माइनस टू, मतलब जो पेरीमीटर है वो डिक्रीज करेगा। इस पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब डी पी बाई डी टी व्हेन एक्स कितना गिवन है 10, वाई कितना है 6। देखो डेरिवेटिव में एक्स वाई आई नहीं तो पुट करने की जरूरत नहीं, मतलब चाहे एक्स 10 वाई 6 पुट भी कर दू तो अभी इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 सेंटीमीटर पर मीटर। पेरीमीटर की जो यूनिट होती है 1 होती है, तो सेंटीमीटर की पावर 1 नहीं रहेगी आपकी, ठीक है। अब करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख रही हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब डेरिवेटिव कर दो, डी ए बाई डी टी, इसमें प्रोडक्ट लगेगा एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी टी प्लस वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू 2 है, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू माइनस 3 है। नाउ एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दो, एक्स हमें क्या गिवन है 10, वाई हमें 6, एक्स 10 वाई 6। तो इसको सॉल्व करने पे मेरा पॉजिटिव आ गया, मतलब डी ए बाई डी टी जो मेरा है वो आ गया 2, बट सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सॉरी मीटर। अब सेंटीमीटर स्क्वेयर है यहाँ पे, सेंटीमीटर स्क्वेयर क्यों लिखा है, एरिया, एरिया की यूनिट 2 होती है, पर मिनट की बात की गई है। तो एरिया में चेंज पॉजिटिव आ रहा है तो एरिया पक्का इंक्रीज करेगा, डेरिवेटिव पेरीमीटर के चेंज में नेगेटिव आ रहा है तो डेरिवेटिव पक्का डिक्रीज करेगा। साइन आपको बताते हैं इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, मतलब अगर मेरी डेरी एक्स वाई लेंथ विड्थ में जो चेंज आ रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पेरीमीटर क्या डिक्रीज हो रहा है और एरिया मेरा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, एक पार्टिकल है जो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। जैसे आपको अगर इसकी कर्व कुछ भी इस टाइप की बन रही है ना आपकी, तो मतलब पार्टिकल पहले ऐसे था फिर आगे आगे क्या बढ़ रहा है। देखो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, बट इसमें जब नेगेटिव पुट करोगे तब ये नेगेटिव आ सकता है। तो हमने वो पॉइंट फाइंड करने कर्व के जब आपका वाई कोऑर्डिनेट चेंज करता है ट्वाइस एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब जब एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है जब आप उसका ट्वाइस कर दोगे तो वाई कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा। इसको मैं कैसे सू, कर्व गिवन ये है और क्या गिवन है कि जो वाई कोऑर्डिनेट है चेंज हो रहा है वो कितना चेंज हो रहा है, एज ट्वाइस एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। चेंज का मतलब जब भी रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब डेरिवेटिव, तो जैसे वाई कोऑर्डिनेट मतलब डी वाई बाई डी टी, ट्वाइस मतलब 2, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पे चेंजिंग लिखे ना, चेंजिंग मतलब डेरिवेटिव। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, हमें क्या गिवन है वाई इक्वल्स टू 2 बाई 3 एक्स क्यूब प्लस 1 डी वाई, इधर एक्स है तो डी एक्स, 2 बाई 3 एक्स क्यूब का कितना जाएगा 3x के प्लस 0, 3 के साथ 3 2x के, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया हमारा
टू एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे बोलोगे हमने टाइम पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारा जो वाई एक्स है वो एक दूसरे वाई एक्स पे डिपेंड है, यहाँ पे कोई टाइम पे लिखा नहीं, डिपेंड है। तो अब हम इसे यूज करेंगे, यहाँ पे मैं गिवन है डी वाई बाई डी टी, इसे वन मार्क कर लेती हूँ, इसे टू, फ्रॉम वन डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी ना इसके नीचे ले आए तो ये हो जाएगा, डी टी के साथ हमें पता है ये बन जाता है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स वैल्यू हमें ये पता है कितनी है, टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डाल दो फ्रॉम टू, टू से हमने डी वाई बाई डी एक्स टू एक्स स्क्वायर पुट कर दी, टू के साथ टू कैंसिल, एक्स स्क्वायर की वैल्यू वन, स्क्वायर टाकर प्लस माइनस वन, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन आ गई। इसको आप क्या करो, गिवन इक्वेशन में पुट कर दो, इस वाली में एक बार वन एक बार माइनस वन आपके बाई पॉइंट आ जाएंगे, ये हमने कर दिया, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन पुट कर देंगे इस इक्वेशन, एक बार वन एक बार माइनस वन, वन पुट करने पे ये मेरा बन गया फाइव बाय थ्री, माइनस वन पुट करने पे वन बाय थ्री, वन पुट करने पे फाइव बाय थ्री, माइनस वन पुट करने पे वन बाय थ्री। और यही हमें बोला गया था जब वाई का डेरिवेटिव ट्वाइस चेंज हो एक्स के डेरिवेटिव में तो वो कौन से पॉइंट है, हमने उस इक्वेशन को सोल्व करके वो पॉइंट्स निकाल लिए, तो ये हमारे पॉइंट्स क्या है हमारे आ गए यहाँ पे। अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मैन इज वॉकिंग एट द रेट ऑफ 6.5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द फुट ऑफ ए टावर 120 मीटर हाई, मतलब एक आदमी है जो किस रेट पे, मतलब एक घंटे में वो 6.5 किलोमीटर क्या है वॉक कर लेता है, किसकी तरफ, फुट ऑफ ए टावर। जैसे मैंने यहाँ पे मैन ले लिया, ये मैन है इस पॉइंट पे, तो वो 6.5 पर एक घंटे में इस टावर की ओर, जो ए बी मैंने टावर लेट किया है, मैन को टावर के पास जाने पे एक घंटे में वो इतने किलोमीटर क्या कर लेता है, पैदल चल जाता है। एट व्हाट रेट ही इज अप्रोचिंग द टॉप ऑफ टावर, अगर उसने टावर के टॉप पे पहुंचना है, बी पे पहुंचना है, तो व्हेन ही इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, ठीक है, हमने बताना है कि उस टॉप ऑफ टावर में व्हेन द एट व्हाट रेट इज अप्रोचिंग द टॉप ऑफ टावर, देन हमने ये बताना है कि टॉप ऑफ टावर में पहुंचने में क्या चेंज आएगा, मतलब व्हेन ही इज 50 मीटर अवे फ्रॉम टावर, जब वो टावर से 50 मीटर दूर है तो बी तक पहुंचने में उसको कितना चेंज आएगा। मैंने लेट कर लिया एक्स मीटर है जो किसकी है, फ्रॉम फुट एंड टॉप ऑफ टावर, देखो फुट मतलब ये टावर है, टावर का फुट मतलब होता है स्टार्टिंग, नीचे से जो बॉटम वाला होता है, ऊपर जो टॉप वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये तो फुट से उसका डिस्टेंस मैंने एक्स ले लिया, टॉप से उसका डिस्टेंस वाई ले लिया, ठीक है, एम हमारा मैन है, तो मैन का इस टॉप से डिस्टेंस वाई है, मैन का इस जो बॉटम है फुट है टावर का उससे डिस्टेंस एक्स है, और हमें टावर की लेंथ ए बी कितनी गिवन है 120 मीटर, यहाँ पे लिख देते हैं हम। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो हम भाई पाइथागोरस थ्योरम लिख लेते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लाइक क्या होती है हमारी, बेस के परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये लगा दिया, वाई स्क्वायर डेरिवेटिव टू वाई डी वाई बाई डी टी, टू एक्स डी एक्स बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव जीरो कॉन्स्टेंट है, डी वाई डी टी हमने लेफ्ट हैंड साइड रखा, बाकी पूरा का पूरा एक्स बाई वाई डी एक्स बाई डी टी रख दिया हमने। अब हमें गिवन है क्या, जब आदमी क्या है 6.5 किलोमीटर चेंज आता है, जब किसकी ओर जा रहा है, टावर के फुट की ओर जा रहा है, तो मतलब ये किसका चेंज बताया हुआ है हमें, डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी बिकॉज टू वर्ड्स ही फुट लिखे ना यहाँ पे, टू वर्ड्स ही फुट, फुट वाल कौन सा पॉइंट हमारा एक्स, तो डी एक्स बाई डी टी कितना लिखा हुआ है 6.5 किलोमीटर पर आर। हमें पता है क्या, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, मतलब एक घंटा दो घंटा, तब जो आदमी है इस टावर के पास जाता जाएगा ना, एक्स क्या है लेंथ, तो लेंथ कम होती जाएगी, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आदमी टावर के पास चला जाता जाएगा और उसकी लेंथ क्या है कम होती जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे, एज एक्स क्या है डिक्रीज कर रही है, जैसे जैसे हमारा टाइम क्या कर रहा है इनक्रीज, एक्स लेंथ है किसकी, सॉरी डिस्टेंस है आदमी और टावर के बीच की, तो मैंने लिखता टावर के जो फुट है जो बॉटम है उससे मैन का डिस्टेंस एक्स है वो कम होता जाएगा जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, तो इसको हम नेगेटिव में लिखेंगे। अभी ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, पुट इन वन, तो डी वाई वे डी टी हमारा क्या गया माइनस एक्स
ओवर y इंटू 6.5। अब हमें गिवन है क्या, वेन ही इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, मतलब जब वो टावर से 50 मीटर दूर है। अब ये रहा मेरा x, ये यहां से 50 मीटर दूर है, तो मतलब हमें ये x की वैल्यू गिवन है। तो हम लिखेंगे वेन x इज इक्वल्स टू 50, देन y की वैल्यू हमें क्या गिवन है, ये यहां से निकाल लो। मैंने सॉल्व कर रही है इसमें पुट करके x वैल्यू, तो हमारा x क्या आ गया 50, y क्या आ गया 130। इसमें हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो हमारा क्या जाएगा dy by dt माइनस x ओवर y इंटू 6.5, इसको हटा के 10, तो इसको सॉल्व करने पे ये, तो मतलब कि जो हमारा मैन है, आदमी है, हमने उसका रेट ऑफ चेंज था ना कि जब वो टॉप ऑफ द टावर पे जाएगा 50 मीटर दूर होगा, मतलब यहाँ पे x हमारा 50 है, उससे सोल्व करके y हमने y 30 निकालते था, तो उस पे सोल्व करने पे हमारा जो क्या चेंज आएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये नेगेटिव में आया है तो पक्का डिक्रीज करेगा। वही मैं बता रही हूँ जो डेरिवेटिव डिक्रीज क्यों कर रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा जो मैन चाहे टॉप है चाहे फुट है दोनों के करीब जाता जाएगा, मतलब डिस्टेंस क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। सो फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बारी आती है प्रैक्टिस क्वेश्चन की। ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, बस बात का ध्यान रखना है, फॉर्मूला इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव, डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव नेगेटिव, लास्ट में जो भी आपको रेडियस लेंथ ब्रेथ जो भी गिवन है उसको पुट करना है। जल्दी से इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसके लिए आपको पहले पूरी वीडियो को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, फिर देन आप जो क्वेश्चन हो जाए इजिली उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।